हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ओके दोस्तों, एक और अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर के आए हैं, फाइव पेयर चैन की एयरड्रॉप। यहाँ पर आपको किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट या फिर अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे आप, तो दोस्तों इसके बारे में चलिए पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि फाइव पेयर कम्युनिटी का जो अनाउंसमेंट है, ये यहाँ पर $100 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपनी कम्युनिटी में। अब दोस्तों इसके टास्क कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, NFT दी गई है, NFT को आपको मिंट करना है। सब कुछ यहाँ पर फ्री में ये बता रहे हैं, फ्री में होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 3-4 कुकीज दी गई हैं जिनके आंसर भी यहाँ पर आपको मिलने वाले, तो ये आंसर भी यहाँ पर आप कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों चलिए किस तरह से आप यहाँ पर इसको कंप्लीट करेंगे। अब दोस्तों इसका जो क्लेमिंग का प्रोसेस है वो फरवरी 4 को यहाँ पर आपको मिलने वाला है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, गेट आयु पे कल के दिन ही लिस्ट हो जाएगा, यानी कि एक दिन में ये यहाँ पर गेट आयु जो एक्सचेंज है उस पर लिस्ट होने जा रहा है। अब आपको अपने टास्क को कंप्लीट करना है, तो किस तरह करना है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जब मैं एक लिंक प्रोवाइड करूंगा तो आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको आना कहाँ पर है, कीवी ब्राउजर के अंदर। इसे कुछ इस तरह से रहेगा, इसको अब मैं ओपन कर रहा हूँ और ये सर्चिंग हो रहा है आपके सामने। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस करना है चलिए जान लेते हैं। अब फाइव पेयर कम्युनिटी का इस तरह से यहाँ पर आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको जो यहाँ पर मिंट का ये आइकन दिया है इस पर आपको क्लिक करना है। जब आपको इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वॉलेट है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन आ गया, तो आपको मेटामास्क को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर मैं इसको मेटामास्क को सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। तो डियर फ्रेंड, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपने वॉलेट को कनेक्ट करने के बाद आपको डेस्कटॉप साइड में अपने वो अकाउंट को कर लेना है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर डेस्कटॉप साइड कर लेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप साइड आएगा, टिक मार्क कर देंगे। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर अपने जीमेल जो है वो देना है, तो मैं एक यहाँ पर जीमेल इंटर कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं जीमेल डाल देता हूँ, एक यहाँ पर सबमिट कर देना है, ठीक है। जब आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे तो एक OTP आपके जीमेल पर भेजा जाएगा। तो चलिए मैं एक OTP यहाँ पर जीमेल पर से लाने के बाद इंटर कर देता हूँ। तो डियर फ्रेंड, मैंने जीमेल का जो OTP है कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद पेस्ट मैं यहाँ पर कर दूंगा और सबमिट के बटन पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरा नाम है वो मिंट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर अपना नाम जो है वो यहाँ पर टाइप कर लूँगा। तो इस तरह से एक नाम यहाँ पर आप टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद इस नाम को आपको मिंट कर लेना है। जब आप अपने नाम को मिंट कर लेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपका यहाँ पर आ जाएगा। आपका नाम यहाँ पर मिंट होगा तो कुछ यहाँ पर ये प्रोसेसिंग चलेगी, ठीक है। तो इस प्रोसेसिंग को आपको होने देना है। अब यहाँ पर आपका नाम हो चुका है मिंट, प्रोफाइल मिंट हो चुकी है। अब यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ चुका है, ठीक है। यानी कि रिवार्ड का यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। अब ये थोड़े देर यहाँ पर प्रोसेस होने दीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कंटिन्यू के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ यहाँ पर प्रोफाइल वगैरह लोडिंग होगा, ठीक है। लोडिंग होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपका यहाँ पर आ चुका है टोकन का, टोकन क्लेमिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर पहले लेवल जो है वो कंप्लीट करना है। तो आपको यहाँ पर कनेक्ट योर डिस्कॉर्ड करना है, यानी कि जो आपका डिस्कॉर्ड है उसको आप यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद इसको वेरीफाइड करेंगे। तो चलिए मैं डिस्कॉर्ड को पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। किस तरह से यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से आपको वीडियो को वॉच करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका खर्चा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप धीरे धीरे भी करेंगे तो आप यहाँ पर इस टास्क को कंप्लीट कर लेंगे, एयरड्रॉप के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। अब इसका ये आ चुका है डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड को मैं यहाँ पर एक्सेप्ट इनवाइट पर क्लिक कर लेता हूँ। जब आप यहाँ पर एक्सेप्ट इनवाइट पर क्लिक कर लेंगे तो दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, आपका डिस्कॉर्ड आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो अब जब यहाँ पर आप वेट करेंगे फिर से आपको डिस्कॉर्ड जो है वो पॉपअप देगा। तो आपको यहाँ पर डिस्कॉर्ड को क्या करना है, वेरीफाइड कर लेना है, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर हैंड रेज कर देना है, ठीक है। हैंड रेज करेंगे तो आपका यहाँ पर कम्प्लीटली वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका वेरीफाइड हो चुका है दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे वेरीफाइड कंप्लीट हो चुका है। कंटिन्यू के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे आप यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, रोल रोल पे जाना है। रोल पे एक यहाँ पर आपको रोल ले लेना है। जैसे कि यहाँ पर 2632 लोग इंडिया से अपने टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। अब एरो के बटन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने एक रोल ले लिया। रोल लेने के बाद यहाँ पर कनेक्टिविटी बना ली। अब इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैक पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा काओ। तो काओ आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, ठीक है। जब आप यहाँ पर टाइप कर देंगे तो आपका यहाँ पर जो डिस्कॉर्ड है वो यहाँ वेरीफाइड हो चुका है दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे। अब आपको क्या करना है, चले जाना है बैक, ठीक है। बैक चले जाना है अब वहीं पर उसी वेबसाइट पर। और इस वेबसाइट पर जब आप यहाँ पर आ जाएंगे,
आने के बाद आपको इसी वाली वेबसाइट पर आ जाना है, ठीक है। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों तो आपको डिस्कॉर्ड को वेरीफाइड करना है, तो चलिए मैं इसको पहले ओपन होने देता हूँ। जैसे कि तो दोस्तों इस तरह से आपको डिस्कॉर्ड को वेरीफाई कर लेना है। जब आप यहाँ पर डिस्कॉर्ड को वेरीफाई कर लेंगे, नेक्स्ट जो टास्क है आपका, नेक्स्ट टास्क है ट्विटर का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टास्क आपका ट्विटर का है, तो आपको क्या करना है, डियर फ्रेंड आपको यहाँ पर करना है कि आपने एक ट्वीट यहाँ पर किया होगा, ट्विटर का लिंक लाने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ एंड नेक्स्ट टास्क आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो डियर फ्रेंड जब आप ट्विटर को वेरीफाइड कर लेंगे तो आपको 100 पॉइंट मिलेंगे, जिनको आपको यहाँ पर क्लेम के बटन पर क्लिक करना है और पॉइंट को आपको यहाँ पर क्लेम कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको सेव यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका जो यहाँ पर क्लेमिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपके वॉलेट में कोई ट्रांजैक्शन भेजा तो नहीं गया है, तो आप यहाँ पर अपने वॉलेट को चेक करके देखेंगे तो आपके वॉलेट में एक यहाँ पर मैसेज होगा जिसको आप यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है और उसको ओपन कर लेना है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये प्रोसेस आप पूरा कर लेंगे, जितनी भी सोशल मीडिया है आपको इसी तरह से कनेक्ट होना है। अब दोस्तों जो कुकीज़ का जो यहाँ पर मेन टास्क है उसको मैं सबसे पहले आपको अब बताने वाला हूँ कि आपको अपनी कुकीज़ को किस तरह से यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो चलिए कुकीज़ का यहाँ पर आप पहले वो जान लीजिएगा कि आपको कुकीज़ किस तरह से यहाँ पर अपनी कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब ये टास्क हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही आपको जो सोशल मीडिया के टास्क है वो कंप्लीट करने हैं। अब आपको कुकीज़ किस तरह से यहाँ पर कंप्लीट करनी है, तो सबसे पहले ये आप जान लीजिएगा, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको कुकीज़ मिल जाएंगी, 4 कुकीज़ ये हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुकीज़ टैग कुकीज़ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो टैग कुकीज़ पर जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है दोस्तों, आपको टैग कुकीज़ पर जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट के बटन पर जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुकीज़ आ जाएगी। अब जो इसके आंसर है वो मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं, अब आप देखेंगे कि जो इसके आंसर है वो यहाँ पर एक बार देख लेंगे। तो पहली कुकीज़ का यहाँ पर आंसर मैं देख लेता हूँ, तो 3 बार बी है और 1 बार डी है और 1 बार बी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो 3 बार तो यहाँ पर आपका आएगा बी, तो बी का ऑप्शन को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, फिर से बी के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, फिर से बी के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, फिर डी यहाँ पर है, डी के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर बी आ चुका है, सबमिट कर देंगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर आइए बता रहा है रॉन्ग। तो दोस्तों ये यहाँ पर आपको देख लेना है, ध्यान से करना इन कुकीज़ को, कुकीज़ के जो आंसर है वो यही है कि 3 बार बी है, फिर डी है, फिर बी है, ठीक है। तो यहाँ पर बी यहाँ पर करूँगा मैं, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर करूँगा। तो इस तरह से जब यहाँ पर आप करते रहेंगे तो यहाँ पर एक जो डी का है और फिर बी का है, तो इस तरह से यहाँ पर आपके पूरे 5 नंबर आने चाहिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे आप कोई गलत कुकीज़ यहाँ पर कर रहे हैं, तभी आपकी जो कुकीज़ है वो कंप्लीट नहीं हो रही है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बैक करेंगे और बैक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि पहला कुकीज़ कौन सा है, ठीक है। जैसे कि 4 कुकीज़ हैं तो मैं शायद यहाँ पर ये तीसरा कुकीज़ कर लेने मैंने स्टेप बाई स्टेप आपको पूरा यहाँ पर गाइड किया। अब ये 2 टास्क यहाँ पर बचे हैं कि रिट्वीट आपको करना है और रिट्वीट आपको यहाँ पर करना है, लाइक करना है, पोस्ट करना है। तो ये मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा दोस्तों, आप भी यहां पर कर लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त यहां पर एड्रॉप होने वाला है। तो दोस्तों